राजीव नाम का एक शख्स काठगोदाम स्टेशन पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी करीब रत नाम की एक ट्रेन उसके सामने आ रुकती है। वह झट से ट्रेन में चढ़कर बैठ जाता है। अजीब बात है, इस ट्रेन की सभी बोगियां खाली पड़ी हैं। अब इतना लंबा सफर अकेले कैसे कटेगा, काश कुछ खाने को मिल जाता। अगले ही पल उसके हाथों में खाने से लबालब भरी थाली पेश हो जाती है, जिसे देखकर राजीव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह फुसफुसाता है, ये कैसी जादुई ट्रेन है, मेरे कहते ही खाना हाजिर हो गया, कहीं ये मेरा इत्तेफाक तो नहीं, कुछ और मांगता हूँ, काश मुझे एक रजाई और तकिया मिल जाए। राजीव के ये बात जाहिर करके ही उसके सीट पर एक रजाई और तकिया अचानक से आ जाती है। इससे पहले कि राजीव कुछ समझ पाता, एक भूतहा हंसी उस जादुई ट्रेन में गूंज उठती है, जिसे सुनकर राजीव के दांत बजने लगते हैं और वो थरथरा उठता है। और ट्रेन जैसे ही धीमी रफ्तार पकड़ती है, वह चलती ट्रेन से कूद जाता है। कुछ दिन बाद काठगोदाम स्टेशन पर खड़ा सत्तू नाम का एक शख्स खुद में फुसफुसाता हुआ कहता है, इतनी देर हो गई, घर पर धनिया और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पता नहीं ससुरा ट्रेन अब तक आई क्यों नहीं। स्टेशन पर खड़ा सत्तू अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक बड़ी रफ्तार के साथ गरीब रथ नामक एक ट्रेन पटरी पर आ रुकती है। और ट्रेन के फाटक खुलते ही वह झट से ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन की सभी बोगियां मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थीं। कुछ देरी की खोजबीन के बाद सत्तू एक खाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगता है। तभी एक फौजी कंडक्टर सत्तू के पास आकर कहता है, टिकट दिखाओ। सत्तू झट से अपनी टिकट दिखाता है। फिर फौजी कंडक्टर आगे बढ़ जाता है और सत्तू फुसफुसाता है, ये किस किस्म का कंडक्टर है, इसने फौजी का पहरावा क्यों पहना है। खैर अभी मंडवा स्टेशन आने में देरी है, वैसे धनिया ने खाना दिया था तो क्यों ना उसे खाया जाए, ताकि सफर कट सके। यह कहते हुए सत्तू खाने की फोकी खोलता है, जिसमें कुछ प्याज के टुकड़े और रोटियां थी, जो उसकी गरीबी को इंगित कर रही थी। जैसे ही वह खाने की खातिर रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता है, एक लंगड़ा बुढ़ा फौजी लड़खड़ाता हुआ उसके पास आकर हाथ पसार कर खाने की ललक जाहिर करता है, बेटा मैं बुढ़ा एक अरसे से भूख से बिलख रहा हूँ, कुछ खिला दो। उस फौजी की दुखद दशा देखकर सत्तू झिझकते हुए कहता है, फौजी बाबा मेरे पास सिर्फ यह छूछी रोटी और प्याज है, क्या आप यह खा सकेंगे। हाँ भाई, भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत का स्वाद देता है। सत्तू लाचार फौजी को अपने हिस्से का खाना दे देता है। देखते ही देखते वह देशभक्त एक भयानक भूत बन जाता है, जिसे देखकर सत्तू की सांस थम जाती है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आ भूत भूत बचाओ बचाओ। सत्तू की चिल्लाहट सुनकर भूतिया कंडक्टर अपना सर घुमाकर कहता है, कृपया शांति बनाए रखें, शोर ना मचाएं। आ भूत भूत, ये कैसी मुर्दों की ट्रेन है जो भूतों से भरी हुई है, मुझे इस ट्रेन से कूदना होगा। ऐसा सोचकर सत्तू जैसे ही फूर्ति से भागता है। पूरी ट्रेन सोने के सांचे में ढल जाती है, जिसे देखकर सत्तू की आंखें चमक उठती हैं और वह बोलता है, यह ट्रेन और यह सभी सीटें सोने में कैसे बदल गईं? कहीं ये सब इन भूतों का छलावा तो नहीं। ये सब सच है सत्तू, क्योंकि यह जादुई ट्रेन है जिसमें चढ़ने वाले हर एक मुसाफिर को हम परखते हैं, और तुम हमारे उस परख में खरे उतरे हो, इसलिए तुम इस जादुई ट्रेन के खजाने के वारिस ठहरे हो। ऐसा कहते हुए सभी देशभक्त की आंखों की धधकती आग पूरे ट्रेन को घेर लेती है, जिसके साथ सीट समेत सभी बोगियां सोने के सिक्कों से भर जाती हैं। रामदीन का भूत कहता है, आगे बढ़ो सत्तू, इस जादुई ट्रेन के खजाने को ले लो, इसे तुम अपनी गरीबी मिटा सकते हो, तुम्हें जीवन भर हड्डियां गलाकर पेट भरने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, जैसे उन सभी ने इस ट्रेन में दिया। तुम सभी देशभक्त किसकी बात कर रहे हो, ऐसा क्या घटा है इस ट्रेन में। इसी के साथ सभी देशभक्त पुराने स्मृति में खो जाते हैं। मुझे आज भी वह मौत की तारीख याद है, काठगोदाम स्टेशन गरीब मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी, वो जो गरीब रथ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, सभी सिपाही सरहद से घर जा रहे थे, हम इसी ट्रेन में बैठे थे, तभी अचानक सभी गरीब मुसाफिर
अपने सर पर गठरी लादे धक्का मुक्की करके ट्रेन में चढ़ने लगे। अरे चल जल्दी ट्रेन में चढ़ जा हीरामणि, वरना हजारों मीलों का सफर खड़े खड़े ही चढ़ना होगा। अरे तुम चढ़ो जी। वह सभी गरीब गदर मचाते हुए गठरी लिए ट्रेन में घुस आए। उनका मलिन मुंह और आंखों में भरी भूख की ललक देखकर हम देशभक्तों का दिलो दिमाग पसीज पड़ा। मेरे साथ के जवान फौजियों ने उन सभी का दुख बांटने के लिए उनसे बातचीत की। काका क्या बात है, आप सभी के चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? अब क्या बताएं फौजी बाबू, बड़ी आस के साथ हम गरीब लोग परदेश से पैसा कमाने आए थे, मगर सरकार की मार हम गरीबों को इस महंगे शहर में जीने नहीं दे रही है। सरकार के कहर की बिजली हमारे पेट पर गिर पड़ी। पिछले कई रोज से हमारे पेट में एक दाना नहीं गया। अब तो बस आंख मूंदने से पहले अपने गांव की मिट्टी के दर्शन मिल जाएं। अजी चिंता ना करो, हम गांव जरूर पहुंचेंगे। कुछ ही देर के सफर में वह गरीब मुसाफिर हम देशभक्तों से घुल मिल गए। हमने कहां सोचा था कि अगले पल जो होने वाला है वो हमारी सोच से परे था। कुछ ही देर में ट्रेन का कंडक्टर टिकट चेक करने आता है। ट्रेन की टिकट दिखाओ। टिकट तो नहीं है मेरे पास। तुम्हारा नाम बताओ। लखपत नाम है साहब, ये मेरा साथी हीरामणि है। हा हा हा, नाम लखपत और हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं, तुम गरीब होते ही हो गए गुजरे। बाप की ट्रेन समझकर चढ़ गए हो तुम। तुम जैसों को डूब कर मर जाना चाहिए। कंडक्टर के तीखे ताने सुनकर गरीब मुसाफिर हमारे आंखों के सामने पटरी से कूद कर कट कर मर गए। और मौत का ये मंजर देखकर देशभक्तों का दिल दहल उठा और वह भारत माता को दंडवत करके कहने लगे, हे भारत माता, ये क्या हो गया? ये खाकी पहनते वक्त हमारे सरहद की सरजमीं पर लोगों की रक्षा करने की शपथ खाई थी, आज वह टूट गई। माँ हमें गोद में संभाले, माकास की यह जादुई ट्रेन होती। अधिराज ने यह आखिरी शब्द उस ट्रेन में कहा, जिससे कुछ ही दूर के बाद ट्रेन ऊंचाई से नदी के गहराई में डूब गई और सभी सिपाहियों की सांस थमती गई और नब्ज जमती गई और हम मारे गए। देखते ही देखते शाम ढल गई और हम भूत बनकर जी उठे और ये जादुई ट्रेन सोने में बदलकर पानी में चलने लगी। अधिराज, ये ट्रेन जादुई ट्रेन बन गई है। हाँ परितोष, अब हम इस जादुई ट्रेन से गरीबों की मदद करेंगे। और तब से हम भूत या देशभक्त ही इस जादुई ट्रेन की टीटी ड्राइवर बनकर इसे चला रहे हैं। और आज इस जादुई ट्रेन से तुम्हारी मदद करके हम देशभक्तों के दिल में खुशी है। मैं समझ नहीं पा रहा, आज के दौर में ऐसे देशभक्त दीवाने कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया साथियों, खास कि भारत के हर घर के सिपाही तुम्हारे जैसे स्वावलंबी होते। अब मैं जाता हूँ। सत्तू जादुई ट्रेन से मिले धन को लेकर लौट आता है, जिसे उसके घर पर छाए गरीबी की घनघोर घटाएं छट जाती हैं। आज भी भूतिया देशभक्त की वह जादुई ट्रेन गरीब मुसाफिरों के लिए मददगार साबित हो रही है।